हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव किसको कहते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। मान ले y हमारे पास फंक्शन इन x है, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो dy dx का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जब इनको पहली बार डेरिवेट किया dy dx। तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको y को फिर से डेरिवेट करेंगे, यानी कि dy dx ऑफ dy बाय dx, जो dy बाय dx आया उसको फिर से डेरिवेट करेंगे, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने d क्यूब y बाय dx क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d बाय dx ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है जी, उससे हम क्या निकाल लेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर y इज इक्वल टू fx फंक्शन है तो जो सिंगल डेरिवेटिव उसको हम y1 मान सकते हैं, y डैश मान सकते हैं, ठीक है जी। जो डबल डेरिवेटिव उसको हम क्या मानते हैं, y2 या y का ऊपर दो डैश, और ट्रिपल डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं y3 या हम लिखेंगे y के ऊपर ट्रिपल डैश, ठीक है जी। अब देखो y मेरे पास log x है, अगर मैं कहूँ फाइंड dy dx, तो dy dx जब निकालेंगे log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी मेरे पास, 1 बाय x, सिंपल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ डबल डेरिवेटिव निकालो जी, डबल का मतलब क्या है, जो सिंगल का रिजल्ट आया है उसको डेरिवेट करना है, d बाय dx और 1 बाय x, तो d बाय dx और 1 बाय x का मतलब क्या करेंगे, ऊपर 1 है नीचे x, तो x की पावर माइनस 1, तो याद रहेगा माइनस 1 आगे x की पावर माइनस 1 माइनस का 2। और अगर ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करने को कहते हैं तो सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव, ठीक है, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव आ जाएगा d बाय dx ऑफ माइनस 1 x की पावर 2, ये माइनस 1 आगे निकाल लो तो डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर माइनस 2, तो ये माइनस 1 माइनस 2 x की पावर माइनस का 3, यानी 2 बाय x, 2 बाय x क्यूब, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्केयर, वी वांट टू प्रूव दैट 1 माइनस x स्केयर y2 माइनस x y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है, ये y2 का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव, y1 का मतलब क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव, यानी कि हमने प्रूव करना है 1 माइनस x स्केयर डबल डेरिवेटिव माइनस x सिंगल डेरिवेटिव माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। लास्ट में डबल डेरिवेटिव की जगह y2 लिख देंगे और सिंगल डेरिवेटिव की जगह y1 लिख देंगे, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, एक तो आप सिंगल डेरिवेटिव निकाल के dy बाय dx निकाल के डबल डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू फिल कर देंगे, तो प्लस माइनस वगैरह करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये बहुत लेंथी मेथड है। दूसरा मेथड कैसे है कि आप इक्वेशन के साथ ही बना लो, y हमारे पास गिवन है साइन वर्स x की पावर होल स्क्वायर, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाय dx क्या आएगा, dy बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो ये पावर 2 है तो पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 2 साइन इनवर्स x की पावर 2 माइनस 1 1, फिर ये साइन का डेरिवेटिव साइन वर्स x, तो ये dy बाय dx, ठीक है। तो पहले पावर आगे पावर कम करेंगे, फिर साइन वर्स का डेरिवेटिव ये होगा 2 साइन इनवर्स x, साइन वर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है, dy बाय dx के इक्वल है, ठीक है। अब अगर आपने डबल डेरिवेटिव के अंदर एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी हो, ऐसी इक्वेशन क्रिएट करनी हो, तो आप डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहां तक तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, अब हमें चाहिए स्टेटमेंट, डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, सिंगल का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस dy dx को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव करेंगे हम, अंडर रूट का मतलब हाफ पावर, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 बाहर रख दें साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो वैसे रहेगा, ये होगा डबल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, हाफ, हाफ पावर आगे फेंक देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, देखो पावर आगे
पावर कम करेंगे तो कितनी, माइनस वन बाय टू। देखो ये यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट, तो बाहर एक पावर आगे फेंक देंगे, पावर कम कर देंगे, जो अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, साइन उसका डेरिवेटिव क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ऑफ हाफ। देखो किसी फंक्शन की पावर नेगेटिव वन बाय टू, तो नीचे आगे प्लस वन बाय टू, यानी कि नीचे रूट बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस आएगा आएगा टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव टू एक्स, ये टू से टू कट गया, ओवर टू बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टेप वाइज। अब अगर ये मैं रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को यहां से इधर ले आऊं, ठीक है, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, वन माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, ये माइनस एक्स, देखो ये रूट ओवर रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा टू, ठीक है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, टू को इस साइड ले आए, वन माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं वाई टू माइनस एक्स डी वाई डी एक्स को लिख सकते हैं वाई वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब इसका मतलब आपको सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल के फिल करने की जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म पड़ रही है उसको ले जाएंगे दूसरी तरफ और फिर उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये इक्वेशन अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव निकालना है और ये स्टेटमेंट इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, ई वेरिएबल का फॉर्मूला लग रहा है, डेरिवेटिव ई वेरिएबल, तो ई वेरिएबल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई वेरिएबल सेम कॉस इनवर्स एक्स, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है वन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ए तो बाहर वैसे आ जाएगा। अब देखो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था, ये डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स स्क्वायर तो इस साइड ले आएंगे, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ये ए इंटू ई की पावर कॉस इनवर्स एक्स। देखो सारे स्टेप सेम है, पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हो, बाकी सारे सम अपने आप ही समय लग जाएंगे। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के अकॉर्डिंग। अब यहां पर यू इंटू भी लग रहा है वन माइनस एक्स के डी बाई डी एक्स, तो ये हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सिंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा डबल डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ए डेरिवेटिव ऑफ e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। हमने दोनों तरह डेरिवेटिव कर दी, यहाँ पर u into v लग रहा है, यहाँ पर सिंपल डिफरेंशिएशन लग रही है, तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव d by dx ऑफ। अब यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये पहले भी अपने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जहां भी अंडर रूट आ जाए पावर हाफ, तो वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट पावर आगे गिरेगी, तो 1 बाय टू वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, उसके बाद अंदर वाले टर्म का भी क्या होगा डेरिवेटिव होगा a। अब e की पावर a कॉस इनवर्स x, e वेरिएबल पहले सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ जो उसकी पावर है a कॉस इनवर्स x, ठीक है जी। आगे देखें अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव d by dx ऑफ, अब हाफ तो एज इट इज ही आ गया, ये पावर माइनस हाफ नीचे आ गई, अंडर रूट वन माइनस एक्स के, देखो पावर हाफ है, नेगेटिव हाफ नीचे आ गई, हाफ होगी, हाफ का मतलब अंडर रूट, वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स के का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, माइनस के साथ था, तो ये a इक्वल टू
ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ए एज इट इज आ गया, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये टू से टू कट गया, ये वन माइनस एक्स के यहाँ डिवाइड इधर मटली होगी, जब इससे मटली होगी तो रूट हट जाएगा क्योंकि वन माइनस एक्स के डबल डेरिवेटिव, ठीक है। ये माइनस एक्स ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो हमें चाहिए ए स्क्वायर वाई, पूरा आंसर के अंदर ए स्क्वायर वाई, वाई किसके बोला है ई ए कॉस इनवर्स एक्स, तो ये जो मेरे पास आ रहा है ई ए कॉस इनवर्स क्या मेरे पास इंटू वाई, ये नेगेटिव आगे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में ये माइनस ए स्क्वायर वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। चलो ये नोट कर लें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई हमें गिवन है ई की पावर एम टेन वर्स एक्स, ठीक है, तो इसको एज इट इज डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर एम टेन वर्स एक्स, फिर पावर का डेरिवेटिव एम टेन वर्स एक्स डेरिवेटिव, एम तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, टेन वर्स का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स का, ये नीचे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन प्लस एक्स के डी बाई डी एक्स क्या आएगा एम ई की पावर एम टेन वर्स एक्स, फिर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड एक्स, तो यहाँ पर यू टू वी लगेगा, इसको वन प्लस एक्स को छोड़ के इसका डेरिवेटिव करें डबल, और डी बाई डी एक्स को छोड़ के वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ फिर डेरिवेटिव लगा दिया, यहाँ पर वन प्लस एक्स के डबल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना आया टू एक्स, इधर आ गया एम ई की पावर एम टेन वर्स एक्स, फिर इसका जो डेरिवेटिव करेंगे एम बच जाएगा टेन वर्स का डेरिवेटिव वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये वन प्लस एक्स के डेरिवेटिव इधर जो वन प्लस एक्स स्क्वायर आया ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव टू एक्स वन प्लस एक्स के डी वाई एम स्क्वायर वाई, है ना। बट ये इसको पर देखो क्वेश्चन में प्रूफ दैट के लिए हमें आया था वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू टू एक्स एम वाई वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब भी ई की पावर वाला क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, आपका जो आंसर है उसमें y आया नहीं रहा, क्या आ रहा है मेरे पास y1, ठीक है। तो e वाले क्वेश्चन के अंदर y तो आना ही होता है लास्ट में क्योंकि वो डेरिवेटिव खत्म होता ही नहीं, तो y तो आना है, बट यहाँ पर y हमें चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ तक तो आप सिंपल करोगे यहाँ तक ऐसे ही, ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव ऐसे निकालोगे आप, क्योंकि हमें प्रूफ दैट के अंदर y चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पर ही चेंज कर देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर सिंगल डेरिवेटिव, तो ये हो गया m, ये बन गया मेरे पास y, तो मैंने कहा एम वाई। अब जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव का क्या बन जाएगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब डी बाई डी एक्स को छोड़ के हम जब डेरिवेटिव करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर की, इस साइड आ जाएगा एम को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, ये टू एक्स, ये टू एक्स बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अब ये एम माइनस एम डी वाई डी एक्स इधर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल दो तो क्या बनेगा मेरे पास टू एक्स माइनस का एम डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये मेरे पास इक्वेशन प्रूफ हो गई, ठीक है। चलिए नोट कर लें, देखें वाई हमारे पास गिवन है टेन वर्स की पावर स्क्वायर, वी वांट टू शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डबल डायरेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड, तो डी वाई डी एक्स मेरे पास आ गया, पावर आगे करेंगे टू टेन वर्स एक्स, टेन वर्स का डेरिवेटिव वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये वन प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा कितना आएगा वन प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, तो ये टू टेन वर्स एक्स, फिर से इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ यू टू वी, वन प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ के सिंगल का डेरिवेटिव डबल, फिर डी वाई डी एक्स को छोड़ के वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव, देखो यहाँ यू टू वी, एक बार इसको छोड़ के इसकी डेरिवेटिव, फिर इसको छोड़ के इसकी डेरिवेटिव करेंगे, इधर टेन वर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई होगा कितना वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव टू एक्स, ये वन प्लस एक्स के साथ आ गया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू टू, ये हो गया प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वाई हमें गिवन है साइन एंगल में गिवन है टू कॉस इनवर्स एक्स, शो दैट क्या करना है हमने वन माइनस एक्स के डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स डी सिंगल डेरिवेटिव फोर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सबसे पहले इसको ले लिया हमने, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस साइड क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इस साइड डेरिवेटिव साइन
यू, साइन यू मान लेंगे इसको, साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस यू, फिर उस यू का डेरिवेटिव, ठीक है, साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस यू, फिर यू का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है, टू बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना है, माइनस वन बाय वन माइनस एक्स के, ये डिवाइड ओवर इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स के सिंगल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू कॉस टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये वाली डिफ्रेंशिएशन तो आपने बार बार की है, अंडर रूट वन माइनस एक्स के डी बाई डी एक्स, तो यहाँ यू इंटू वी लग जाएगा, इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव डबल हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव डेरिवेटिव वन माइनस एक्स की पावर हाफ। दूसरी साइड माइनस टू बाहर आएगा, डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस यू का, इसको यू मान लिया, तो कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन यू, फिर जो उसका एंगल है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, इस साइड यू टू भी लगाया था, ये पावर हाफ है, पावर आगे कर दी, पावर कम कर दी, मतलब वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू इसका डेरिवेटिव। तो ये तो स्टेप हमने बार बार किया है, ये नेगेटिव वन बाई टू नीचे आके पॉजिटिव वन बाई टू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, टू से टू कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, टू बाहर कॉस वन का डेरिवेटिव माइनस वन बाई वन माइनस एक्स के, ये जो रूट वन माइनस एक्स के रही इस साइड आएगा, तो ये रूट आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर कट जाएंगे, फिर इसके नीचे वाला रूट और रूट वन माइनस एक्स के रूट वन से ये कट जाएगा, पूरा कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर रूट हट जाएगा, यहाँ पर पूरा कटिंग हो जाएगी। अब ये मेरे पास क्या बचा, ये माइनस टू इंटू टू फोर, ये साइन टू कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो ये मेरे पास बन गया वाई। अब ये माइनस फोर वाई इधर आगे प्लस होगा, तो ये मेरे पूरे पूरी स्टेटमेंट सॉल्व होगी, ठीक है। जब भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर आए और अगर आपके डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है तो उसको नीचे गिरा के उस चीज़ को उधर ले जाएंगे। चले नोट कर लें, क्वेश्चन देखते हैं, y हमें गिवन है 3 e की पावर 2x plus 2 e की पावर 3x, we want to prove that double derivative d square y by dx square minus 5 d by dx plus 6y is equal to 0। अब जब हमने पहली डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव की, 3 बार e का वेरिएबल, e की पावर 2x क्या होता है, e की पावर 2x, फिर 2 आ जाएगा क्योंकि 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, फिर e की पावर 3x सेम, फिर उसको पावर का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, तो d by dx निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं आ रही। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, जब डिनोमिनेटर ना आए तो आपको डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे और वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। तो पहले आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाला है, ऐसे ही आपने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या हो, e की पावर 2x पावर में 2 है, मतलब 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, ऐसे ये आ गया, वैल्यू फिल कर दी, प्लस माइनस करके मेरे पास क्या आंसर आ गया, 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपका सिंगल डेरिवेटिव के अंदर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा, तो आपने वहां पर सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव निकाल के सारी वैल्यू फिल करनी है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। चलें।